तो नया यूनिट शुरू करते हैं हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले यूनिट के अंदर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा चार्जेस एट रेस्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस इन मोशन। ठीक है, थोड़ा सा उससे और आगे चल के पिछले चैप्टर में हमने जो चार्ज रुके हुए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन थी वो, लेकिन अब हम पढ़ेंगे चार्जेस इन मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक का नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थोड़ा बहुत तुम लोगों ने इंट्रोडक्शन जो है टेंथ में भी किया हुआ है करंट का, करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, वगैरह वगैरह, ये सब तुमने पढ़ा हुआ है। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं, करना शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक। तो यूनिट हमारा जो है ये यूनिट है 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट क्या होता है, करंट होता है जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट बनता है, ये तो हमें पता ही लग चुका है हम लोगों को कि जब चार्ज फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट बेसिकली होता क्या है, करंट चार्ज का बहना ही होता है। जब चार्ज फ्लो करना शुरू करे, चार्ज कहीं भी फ्लो कर सकता है, हवा में भी कर सकता है, बिना हवा के भी कर सकता है, किसी मटेरियल के अंदर भी कर सकता है। ठीक है, खासकर गुड कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कर सकता है। ठीक है, तो जो हम जनरली जानते हैं ना, ठीक है, जो हम पहचानते हैं करंट, वो गुड कंडक्टर के अंदर बहने वाला चार्ज होता है जो हमारे घरों में आता है, वायर्स के रास्ते आता है। ठीक है, लेकिन कुछ करंट फ्लो करता है हवा में, जैसे बिजली गिरती है ना, जब बिजली गिरती है तो वो है चार्ज जो कि हवा में फ्लो कर रहा है और बहुत कम समय के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो करता है, तो बड़ी चिंगारी उठती है। तो बिजली गिरना एक बहुत बड़ी चिंगारी जैसा है। तुम्हारा लाइटर तुमने देखा होगा, तुम्हारा लाइटर के अंदर जो छोटी सी स्पार्क निकलती है ना, वो भी ऐसा करंट है जो कह सकते हो छोटी बिजली, स्मॉल थंडर। एक तो बड़ी थंडर है जो बादलों में होती है, धरती पे गिरती है, और एक छोटा सा जो स्पार्क तुम अपने लाइटर में देखते हो ना, वो भी वैसा ही है जैसा कि करंट फ्लो कर रहा है हवा में। स्पार्क प्लग आपने देखा होगा, स्पार्क प्लग के अंदर जो छोटी छोटी चिंगारी उठती रहती है, लगातार स्पार्किंग होती रहती है, नाम ही स्पार्क प्लग है, उसमें स्पार्क निकलती रहती है। तो स्पार्क बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज है, वहाँ पर भी हवा में चार्ज फ्लो करता है, समझ गए। अच्छा, तुमने कभी देखा होगा कि सर्दियों में जो है तुम जब वुलन कपड़े ओढ़ते हो, पहनते हो, निकालते हो, कभी कभी चेयर पे से उठ करके, खासकर प्लास्टिक की चेयर पे से उठ करके किसी चीज़ को टच करते हो तो हल्का सा शॉक लगता है, तब भी मामूली सा करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो करंट बेसिकली क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो करेगा तो हम कहेंगे करंट है, लेकिन करंट को सही तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो लिख सकते हैं कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं करंट। करंट को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर आई से, करंट आई, कैपिटल आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, समझ गए। जैसे अगर ये चार्ज Q है और ये टाइम T है, अगर T टाइम के अंदर, इन T टाइम, अगर T समय में Q चार्ज फ्लो कर जाता है, इफ चार्ज Q फ्लोज, कहीं भी फ्लो कर सकता है, हवा में, किसी चीज में, किसी मटेरियल के अंदर, इफ इन इन टाइम टी, इफ चार्ज क्यू क्यू फ्लो करता है तो एक सेकंड में कितना करेगा, सो इन वन सेकंड चार्ज फ्लोन, ठीक है, चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही है करंट। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, समझ गए।
इट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो करने के रेट को हम लोग कहते हैं करंट। ठीक है, देखो फिजिक्स में ना हम लोग जो है रेट के बारे में बहुत हमेशा रेट की बात करते हैं, ज्यादातर रेट की बात करते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है ना, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज नहीं कहेंगे यहाँ पर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहेंगे करंट। तो ऐसे रेट हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं। सो ये है करंट। ठीक है, अब इसकी यूनिट भी डिफाइन कर लेते हैं। यूनिट इस फॉर्मूले से डिफाइन हो जाएगी, क्या है, अगर चार्ज है तो चार्ज की यूनिट है कूलॉम, और टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो हम लोग लिखेंगे कूलॉम बाई सेकेंड, यानी कि यूनिट बनेगी, यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू कूलॉम पर सेकेंड। ठीक है, कूलॉम पर सेकेंड। लेकिन एक बड़ी कॉमन सी यूनिट हम लोग यूज करते हैं जिसे कहते हैं, आप लोगों ने गेस कर दिया होगा, एम्पियर। सो एम्पियर इज एसआई यूनिट ऑफ करंट, और इसको डिनोट करते हैं लेटर ए से। ठीक है, बहुत सारी बात तुम जानते भी हो इसके अंदर, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, और चार्ज क्यू बाई टी। ठीक है, और यूनिट होगी कूलॉम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। इसकी डायमेंशन भी बहुत इजी है, डायमेंशन देखो, चार्ज की यूनिट असल में करंट एक फंडामेंटल यूनिट है ना, करंट जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसके लिए एक स्पेशल लेटर यूज करते हैं हम लोग, क्या, ए। ठीक है, तो करंट के लिए लेटर यूज करेंगे ए, और तो हम लोगों को मिलेगा, देखो यहां से आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो चार्ज की डायमेंशन मिल जाएगी हम लोगों को, तो Q बन जाएगा ए टी। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चार्ज, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर करंट, इसको ऐसे लिख लेंगे, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर करंट। क्लियर, तो हमने करंट के बारे में सारी सिंपल सी बातें कर ली कि करंट क्या होता है, किसे कहते हैं करंट, और अब हम डिफाइन करेंगे एक सिंपल भाषा में 1 एम्पियर को, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, 11th क्लास में भी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी है तुम लोगों ने कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है ना, 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट वो करंट होता है जब दो वायर्स के बीच में जब वो फ्लो करेगा, और दोनों वायर्स अगर 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो ऐसे कह सकते हो, अगर दो वायर्स के बीच में 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए तारों के बीच में फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होगा, तब हम कहेंगे दोनों में करंट 1 एम्पियर का है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है कोई बात नहीं, हम इसको बाद में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, फिलहाल 1 एम्पियर को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो हमने लिखा करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो 1 एम्पियर मतलब करंट होगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कब होगा, जब 1 कूलॉम का चार्ज, 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे, या यूं कह लो 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलॉम का चार्ज अगर फ्लो करता है तो हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट हैज फ्लोन, तब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर गया है। ये काम चलाओ डेफिनेशन है, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। क्यों प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि 1 कूलॉम चार्ज को नापना आसान नहीं है, ये बहुत छोटा, सॉरी 1 कूलॉम का चार्ज बहुत छोटा चार्ज है, इसको नापना आसान नहीं है, इसीलिए इस वाली डेफिनेशन हम कम इस्तेमाल करते हैं। समझ गए, अब एक बार थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, करंट किस किस टाइप का होता है, करंट भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो वायर में से बहने वाला करंट है ना, एक बिजली गिरने वाला करंट है कि नहीं, तो मोटा मोटा डिफाइन करते हैं एक बार। सो टाइप्स ऑफ करंट क्या है,
टाइप्स ऑफ करंट ये बहुत काम आएगा आप लोगों को। टाइप ऑफ करंट एक है डायरेक्ट करंट, ठीक है, एक है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट डीसी, थोड़ा बहुत लग भी रहा होगा पता कि डीसी एसी डीसी है ना। एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट जिसे कहते हैं एसी, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। और लास्ट में है ट्रांजिएंट करंट कौन सा होता है? ट्रांजिएंट करंट वो होता है जो बहुत कम समय के लिए बहता है, जैसे बिजली गिरना, स्पार्किंग होना, कैपेसिटर हमने चार्ज कर दिया, हमने अभी भी पिछले टॉपिक में यही पढ़ा, कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद दोनों टर्मिनल्स को अगर आपस में टच कर दोगे, ऐसे तो यहाँ पर स्पार्किंग होगी, बहुत कम समय के लिए एक चिंगारी निकलेगी, वो भी करंट ट्रांजिएंट करंट में आता है। बहुत कम समय के लिए फ्लो करने वाला करंट जो है ट्रांजिएंट करंट होता है। बिजली का गिरना, स्पार्क प्लग में, तुम्हारे लाइटर के अंदर, ये सारे ट्रांजिएंट करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो घरों में आता है, ऑल्टरनेट करता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज ऐसे करती है, ऐसे, और डायरेक्शन भी बदलती है। ऑल्टरनेटिंग मतलब करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, हर सेकंड में 50 बार बदलती है। तो ये जो करंट है ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। टाइम के साथ देखो करंट बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया, फिर घट रहा है, जीरो हो गया, फिर रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ने लग गया, और फिर से जीरो हो गया, ऐसे करता रहेगा। ये एक साइकिल है, ऐसी 50 साइकिल्स होंगी एक सेकंड के अंदर। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है जो तुम्हारे घरों में आता है ना, ये तुम्हारे घरों में आता है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, है कि नहीं, एसी डीसी सुना होगा थोड़ा बहुत तुम लोगों ने। तो ये वो करंट है जो हमारे घरों में आता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ मतलब 50 साइकिल्स पर सेकेंड। करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलती रहती हैं। लास्ट में है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो होता है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही डायरेक्शन चेंज होती है, कांस्टेंट रहता है, ऐसा करंट कहलाता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, हम लोग कौन सा करंट पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर? हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में डायरेक्ट करंट के बारे में स्टडी करेंगे। डायरेक्ट करंट आता कहाँ से है? डायरेक्ट करंट आता है तुम्हारे सेल या बैटरी से। ठीक है, डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है? डायरेक्ट करंट का सोर्स है तुम्हारी सेल या बैटरी, तुम्हारी सेल या बैटरी से डायरेक्ट करंट आता है। क्लियर? ठीक है, और बैटरी क्या करती है एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बैटरी का भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि बैटरी चार्ज कैसे देती है, करंट कैसे फ्लो करता है। एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा सेल करता क्या है। एक सबसे सिंपल सेल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि एक कंटेनर होता है, कंटेनर में एक रॉड होती है जिंक की, एक जिंक की रॉड होती है, एक कॉपर की रॉड होती है, और इन दोनों को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कर देंगे। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से एक टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन ऐसे होंगे कि एक टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड,
और दूसरे के ऊपर जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बैटरी काम करती है। और जब एक टर्मिनल के ऊपर एक इलेक्ट्रोड, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएं तो केमिकल रिएक्शन उसको पूरा करते रहते हैं। केमिकल रिएक्शन उसको उसके नेगेटिव वोल्टेज को, नेगेटिव चार्ज को बनाए रखते हैं। ठीक है, जब तक वो बना सकता है तब तक करंट देता रहेगा सेल, और जब चार्ज देना बंद कर देगा यानी इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करना बंद कर देगा तो क्या होगा, तब सेल करंट देना भी बंद कर देगा। तो चार्ज आया कहाँ से दोनों टर्मिनल्स के ऊपर, केमिकल रिएक्शन से आया। कहाँ हो रहा है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, समझ गए। थोड़ा तुम्हें ड्राई सेल का भी पता होगा, है ना, बीच में ग्रेफाइट रॉड होती है, बाहर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है ना, वगैरह वगैरह, फिर जिंक प्लेट होती है, ये ड्राई सेल हो गया। और तुम्हारा लेड एसिड एक्युमुलेटर तुम्हें पता ही होगा, लेड और लेड ऑक्साइड की रॉड्स होती हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करी जाती हैं, ये तुम्हारा लेड एसिड एक्युमुलेटर है कि नहीं, जो तुम्हारे बड़े बड़े बैटरे होते हैं ना, बड़े बड़े बैटरे, बड़े मतलब जिसमें तुम्हारे घर में जो इन्वर्टर से जुड़ा हुआ होता है, तुम्हारे कार के अंदर बैटरी, तुम्हारे गाड़ियों के अंदर जो बैटरी है, तुम्हारी मोटरसाइकिल के अंदर जो बैटरी, वो लेड एसिड एक्युमुलेटर है। वो सारी हमें डायरेक्ट करंट देती हैं, समझ गए, हम यही स्टडी करेंगे, डायरेक्ट करंट। तो होता क्या है, एक टर्मिनल बन जाएगा नेगेटिव, एक बन जाएगा पॉजिटिव, और जब हम इसको किसी बल्ब से जोड़ देंगे, ये बल्ब है हमारा, छोटा सा बल्ब है ये, ठीक है, तो क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी है कि नहीं, तो जब हम वायर से जोड़ देंगे तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं वहां से दूसरे की तरफ भागेंगे, ठीक है, और बल्ब जलना शुरू कर देगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना शुरू होगी, कमी होना शुरू होगी तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन दोबारा से इस पे इलेक्ट्रॉन जमा करना शुरू कर देगा, समझ गए, केमिकल रिएक्शन इस पे लगातार नेगेटिव चार्ज बनाए रखेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को भी खत्म नहीं होने देगा। तो हम अपने सेल को या ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा सेल है, दिस इज अ सेल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ वोल्टेज होती है, इन दोनों के बीच में कुछ वोल्टेज होती है, पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा उसी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल, समझ गए, यूनिट चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा उसी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल, ठीक है। तो 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है तुम्हारे सेल का वोल्टेज, 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 12 जूल काम करना पड़ेगा, सिंपल सा मतलब है ये, ठीक है। तो हमारा जो ड्राई सेल होता है ना, ड्राई सेल की वोल्टेज कितनी होती है, 1.5 वोल्ट, तो 1.5 का मतलब क्या हुआ कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी भी रास्ते से, छोटा रास्ता बड़ा रास्ता, हमें कितना काम करना पड़ेगा, 1.5 जूल काम करना पड़ेगा एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए, ये मतलब है पोटेंशियल का, इस पोटेंशियल मीनिंग को हमेशा याद रखो, ठीक है। एक बार बेटर देखो, तुम लोग देखो, हो सकता है। तो सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। एक बैटरी भी होती है, बैटरी को कैसे दिखाते हैं, बैटरी ऐसे होती है, ये तो सेल है, सेल बैटरी ऐसे होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव,
ये है बैटरी, ये है सेल, ये है बैटरी। ठीक है, सेल और बैटरी में क्या फर्क है? बैटरी के अंदर कई सेल होते हैं, बैटरी के अंदर कई सेल होते हैं। जो हमारा लेड एसिड एक्यूमुलेटर है ना, उसमें हर सेल की वोल्टेज 2 वोल्ट होती है। तो 12 वोल्ट के लिए 6 सेल होने जरूरी है। लेड एसिड एक्यूमुलेटर के अंदर हर सेल की वोल्टेज है 2 वोल्ट, और 6 सेल होते हैं तो टोटल वोल्टेज होगी 12 वोल्ट। तो हमारे जो लेड एसिड एक्यूमुलेटर यानी बड़ी बैटरी या बैटरा जो तुम होता कहते हैं ना, तुम्हारे इन्वर्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसमें 12 वोल्ट का होता है। तो इसका मतलब ये उसमें 6 सेल हैं, 6, और हर सेल की वोल्टेज 2 वोल्ट है। समझ गए? क्लियर। तो ये हमने इंट्रोडक्शन लिया थोड़ा सा, करंट क्या होता है, करंट कहाँ से आएगा, थोड़ी सी बात हमने बैटरी की भी करी, करंट के टाइप्स की बात करी। ठीक है, अब हम बात करेंगे करंट जिस रास्ते से फ्लो करेगा, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे कंडक्टर की, किसी वायर की, और उस वायर के अंदर करंट कैसे और कब और क्यों और कितना फ्लो करेगा, ये सब हम बात करेंगे। तो हमारे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है, हम अभी यही स्टडी करेंगे कि कंडक्टर के अंदर जो करंट है फ्लो करता है तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और कौन सी चीज़ हम मेजर कर सकते हैं उसके अंदर। तो कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री चार्जेस हों, इलेक्ट्रॉन्स हों। जो हमारे गुड कंडक्टर्स हैं ना, जितने भी मेटल्स हैं ज़्यादातर दे आर गुड कंडक्टर्स। एंड बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर, एंड नेक्स्ट बेस्ट इज कॉपर, एंड नेक्स्ट टू दैट इज एल्यूमिनियम। तो ये जो है तीनों हमारे जो है 3 अलग अलग टाइप के, मतलब तुम्हें कंडक्टर्स बताए, और सबसे बेस्ट है इसमें सिल्वर। सिल्वर को हम लोग जनरली घरों में यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है ना, सिंपल सी बात है। चांदी को हम लोग चांदी के तार बनाएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए हम लोग जनरली कॉपर के या एल्यूमिनियम के तार का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे कंडक्टर के अंदर, जब हम कंडक्टर को सेल से जोड़ेंगे तो क्या क्या होगा, और सेल से जोड़े बगैर क्या क्या होगा। ठीक है, ये स्टडी करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, मान लो ये हमारा एक कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, हीट भी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सारे। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, एटम्स में से आए, है ना। एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हमारे मेटल आयन्स हैं, मेटल आयन्स, और ये तो जो है फिक्स्ड हैं, ये चलेंगे नहीं, ये मूव नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार चारों तरफ मूव करते रहेंगे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर ही पिक्चर है, पिक्चर ऑफ अ कंडक्टर, पिक्चर ऑफ अ कंडक्टर, ओके। और इसमें क्या है, ये है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का सागर है, मतलब देश, मतलब बिना के जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्या है, ये है मेटल आयन्स, मेटल आयन्स, समझ गए। तो ये है हमारे कंडक्टर की पिक्चर, जब हमने इसको सेल से अभी नहीं जोड़ा है, सिंपल पिक्चर है। एक कंडक्टर के अंदर क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री, और इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स आए मेटल आयन से, यानी ऐसे एटम्स जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो वो तो बेचारे फिक्स है। ठीक है, जो लैटिस स्ट्रक्चर है ना, क्रिस्टल का लैटिस स्ट्रक्चर है, जो हमारे मेटल का लैटिस स्ट्रक्चर है, उसमें ये सारे मेटल आयन्स भारी भारी हैं, ये रुके पड़े हैं, ये चल नहीं सकते।
लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चारों तरफ जो है रैंडमली चलते रहते हैं, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हैं, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर फ्री। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? फ्री हैं, दे आर फ्री टू मूव, ठीक है, चलने फिरने के लिए फ्री हैं, ओके। और ये लगातार चलते रहते हैं। अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन का मोशन देखो ना तुम लोग, ठीक है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का मोशन देखें, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, ठीक है, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर देखें तो कैसा होगा? यहां से यहां चला, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, इधर मुड़ गया, किसी मेटल आयन से टकरा गया, इधर मुड़ गया, इधर चल गया, इधर पहुंच गया, टक्कर लगी इधर चला गया, टक्कर लगी इधर चला गया, टक्कर लगी इधर चला गया, यानी कोई फिक्स रास्ता नहीं है। सो दिस इज मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। कैसा मोशन होगा? रैंडम, रैंडम, रैंडम मतलब कोई एम नहीं है, एमलेस, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इधर गया, इधर गया, ऊपर गया, नीचे गया, इधर टक्कर मारी इधर चला गया, इधर टक्कर मारी इधर चला गया, रैंडम। और चलने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? चलने के लिए एनर्जी आती है सराउंडिंग से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एनर्जी फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। लिख सकते हो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रैंडम मोशन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रैंडम मोशन कम्स फ्रॉम हीट एनर्जी ऑफ सराउंडिंग। आसपास से हीट एनर्जी की वजह से, आसपास की हीट एनर्जी की वजह से जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन के लिए एनर्जी आती है। क्लियर? ठीक है, तो मैंने अब क्या बात करी? अब हमने बात करी कंडक्टर की। कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, चार्जेस हों, आयन्स हों। और कंडक्टर जो हम जिसकी बात करें, मेटल्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो लगातार रैंडम मोशन में है, और मेटल आयंस वो रुके हुए हैं, ठीक है। और हमारे किसी एक इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है, एमलेस है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे मोशन को हम लोग रैंडम मोशन कहेंगे, ठीक है। और ऐसे मोशन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? ऐसे मोशन के लिए एनर्जी आएगी सराउंडिंग से, आसपास की हीट एनर्जी से, ठीक है, आसपास की हीट एनर्जी से, ओके। अब थोड़ा सा हम इसे मैथमेटिकली भी करते हैं। मान लो अब हम रैंडम मोशन को कैसे शो करेंगे? मैथमेटिकली रैंडम मोशन को कैसे शो करेंगे कि रैंडम मोशन कैसा है? रैंडम मोशन मतलब क्या है कि घूम फिर के वहीं पर आ गया, ठीक है। रैंडम मोशन मतलब क्या है? घूम फिर के वहीं पर आ गया, कुछ भी कहीं गया ही नहीं, ठीक है, चल भी रहा है लेकिन चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रदीप बेटा ऑडियो ऑफ कर ले बेटा, समझ रहे हो कि चल भी रहा है लेकिन कुछ हो भी नहीं रहा, समझ रहे हो, वो घूम फिर के वहीं आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए ना। तो इसको अब हम शो करेंगे कि इन रैंडम मोशन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इसको ऐसे शो करते हैं, इन रैंडम मोशन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। किसी इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है जीरो है। क्या मतलब है इसका? कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर गया, उसकी वेलोसिटी है v1,
बल्कि क्या है उसकी वेलोसिटी है u1, यहां से यहां गया टक्कर लग करके, यहां पर वेलोसिटी है u2, फिर इधर आ गया, ये वेलोसिटी है u3, है ना, ऐसे करते जाएगा। तो एवरेज क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे और एवरेज निकालेंगे n, क्या होना चाहिए, जीरो। मैथमेटिकली ऐसे शो करेंगे, क्लियर है कि इन रैंडम मोशन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी जीरो है, वो कहीं जा ही नहीं रहा, घूम फिर के वहीं आ रहा है, क्लियर। ऐसा कब है, ऐसा एक कंडक्टर के अंदर है जब उसको सेल से बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, क्लियर। जब हमने उसको सेल या बैटरी से नहीं कनेक्ट किया है तब ये सिचुएशन है, ओके। और जब सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तभी इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, ठीक है। इसी को हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ होने वाली है, कि जब सेल या बैटरी से हम इसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। सो ये याद रखो, ये रिजल्ट याद रखना है कि बिना बैटरी के द एवरेज वेलोसिटी जीरो, लेकिन जब हम इसको जब अपने कंडक्टर को हम अपने कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, किसी बैटरी से कनेक्ट कर लोगे, ऐसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, तो ये वाला किनारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये वाला किनारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये तो अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन्स अब इस तरफ चलना शुरू कर देंगे। लेकिन अब से पहले क्या हो रहा था, अब से पहले तो एवरेज जीरो था, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और बाहर भी आ जाएंगे, और उनको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सप्लाई करेगा। नेगेटिव टर्मिनल में क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स का भंडार होता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, समझ रहे हो, और फिर यहाँ से वापस निकल करके आ जाएंगे। इस काम ये काम कौन करेगा, ये काम हमारी बैटरी करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगी, यहाँ ट्रांसफर करेगी, यहाँ निकालेगी, यहाँ ट्रांसफर करेगी, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो बैटरी देगी, समझ गए, क्लियर। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, ये टर्मिनल नेगेटिव हुआ। अब हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कैसा होगा, पहले ऐसा था, ऐसा 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 ऐसा, ये था रैंडम मोशन। कब, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सेल, ठीक है। लेकिन जब तुम सेल जोड़ दिया और हमारा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर आना शुरू करेगा, लेकिन रैंडम मोशन खत्म नहीं होने वाला, रैंडम मोशन यूं का यूं बना रहेगा, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इधर सरकता जाएगा, ऐसे ऐसे इधर सरक जाएगा, ऐसे, ठीक है। रैंडम मोशन के साथ साथ अब धीरे धीरे वो इधर सरकता हुआ आएगा, ना चाहते हुए, रैंडम मोशन नहीं खोएगा। लेकिन रैंडम मोशन खोए बगैर, जैसे पहले क्या था, पहले ऐसे था, इधर 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 वहीं घूम रहा था, ऐसे से घूम रहा था। अब क्या हो रहा है, अब ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे से घूमते घूमते आगे भी जा रहा है, ऐसे से आगे जा रहा है, समझ रहे हो, पहले ऐसे घूम रहा था एक जगह ऊपर नीचे इधर उधर, अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे रैंडम मोशन के साथ साथ अब वो इधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे, समझ गए। पहले रैंडम मोशन था, अब रैंडम मोशन के साथ साथ वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी चलने लग गया, समझ गए। इसको भी हम लोग मैथमेटिकली शो करेंगे, लेकिन इस काम को हम कल करेंगे, टाइम होने वाला है, ओके। तो इसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जो चीज़ क्लियर नहीं है उसमें से दोबारा देख लेना और मुझे मैसेज कर देना कुछ चीज़ अगर तुम्हें क्लियर नहीं है, ओके। तो सी यू टुमारो, बाय ऑल ऑफ यू।